और इस शीशे को जब मैं इसको दिखाता हूँ तो इसके क्या रिएक्शन होते हैं आप लोग देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो है बेटा फिश लवर्स के लिए, क्योंकि बेटा फिश को कई लोग अकेला रखते हैं। और जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, मेरा भी ये बेटा फिश बाहर आ गया, और इससे पहले वाली जो थी वो भी बहुत अच्छी बेटा फिश थी। और ये देखिए कैमरे में ही घुसता जा रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना इसका गजब का कलर है। और क्योंकि ये बेटा फिश वहाँ से हैं तो इनको फूड तो पसंद है नहीं, जैसे कि ऑप्टिमम और ऑप्टिमम बेटा नाम से जो भी आता है, तो ये फूड खाना उतना पसंद नहीं करता है। तो इसको लाइव ही देना पड़ता है, जो भी फूड देना पड़ता है। तो लाइव में इसको अर्थ वॉर्म और छोटे छोटे जो वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मील वॉर्म के बच्चे और कई सारी चीज़ें देता हूँ मैं इनको। तो लाइव खिलाने में देखिए फ़ायदा एक ये है कि जब भी हम बेटा फिश को लाइव फूड देते हैं तो वो एक बार फीड करेगा तो पूरा दिन तक उसको खा सकता है, और हमें पूरे दिन में दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बेटा फिश को ऑप्टिमम या फिर कोई भी चीज़ देते हैं तो देखिए हम एक फीड पे, एक नॉर्मल से फूड पे जो कि आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, उस पे डिपेंड हो गए। बस उसको खिला देना है जी, चार्ज कर देना, और उसके बाद कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम नेचुरल चीज़ खिलाते हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म, ब्लड वॉर्म और जो छोटे छोटे श्रिम्प्स होते हैं जैसे कि ब्रायन श्रिम्प हो गया और भी कई सारी चीज़ें लाइक छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि बेटा फिश खा सकती है, तो इसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा मैं कि हम क्या क्या खिला सकते हैं। तो हम वही इनको फीड कराएंगे और मैं तो खैर वही कराता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो मेल बेटा फिश है इसका सेटअप मैंने जो किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं कितना नॉर्मल है। एक नन्ही सी जंगल वॉल लगाई है जो कि थोड़ा सा ग्रोथ करती है तो ये उसको खा जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये है मेरे पास एक शीशा, और इस शीशे को जब मैं इसको दिखाता हूँ तो इसके क्या रिएक्शन होते हैं आप लोग देखिएगा। तो अभी ये यहाँ पे, तो ये देखिए शीशे को मैं हल्का सा दिखाता हूँ, कहाँ से आप लोगों को कहाँ से दिखाइए, देखिए देखा आपने। तो जैसे मैं शीशे को यहाँ लेकर आता हूँ और ये शीशे के पास आएगा, ये देखिए कितना अग्रेसिव हो जाता है ये शीशे के पास आते ही, ये देखिए। तो मैं ये सोच रहा था क्योंकि इसमें एक सेटअप करेंगे और इसमें एक पार्टीशन डालते हैं छोटा सा, और फिर इसके एक साइड में मेल रखेंगे एक और, ताकि दोनों अग्रेसिव रहें और एक्टिव रहे और जो इनकी क्वालिटी है वो दिखे। तो आप लोग भी देख सकते हैं कितना गजब का बेटा फिश है ये। और जब मैंने शीशा ऐसे पहले इसके पास लगाया था तो मुझे भी नहीं पता था इसकी इतनी गजब की क्वालिटी है, इतने बड़े बड़े पंख हैं इसके। और क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है तो शायद बार बार वीडियो हिल रही हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये देखिए ये शीशे में खुद को ही देख के इतना अग्रेसिव हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो एक और बेटा फिश इसमें रख सकते हैं सेटअप में, और फिर उसके बाद इसका अग्रेसिव देखेंगे, अग्रेसिवपन कितना है इसका और कितना ज़्यादा ये फिन खोल सकता है। और अभी अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा देखने में फुल मून की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये इस शीशे का कमाल है, शीशे ने इसको बेवकूफ़ बना दिया। और इसको ये लग रहा है कि बगल में ही दूसरा एक और मेल है, लेकिन देखिए हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बगल में एक शीशा ही लगा दें ताकि ये खुद को देख के अग्रेसिव रहे, लेकिन इनमें दिमाग होता है तो कुछ ही दिनों में इसको अगर पता चल गया कि ये मेरी ही परछाई है तो उसके बाद शीशा वेस्ट जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, एक शीशा लगाना बेटा फिश के लिए या फिर बगल में एक और बेटा फिश ला के रखना, ताकि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी शो क्वालिटी जो है वो दिखे लोगों को, और जिस चीज़ के लिए आदमी लेकर आता है वो चीज़ तो कम से कम दिखे ही दिखे। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का ध्यान रखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।